So, well, I won't be boring you guys, honestly. This can be a boring session because it's all about marketing, right? कि एक बंदा आके मुझे marketing सिखा रहा है, right? Nobody wants that, but I will try to make it as engaging as possible. So, I'll just go about a little bit about me. So, my name is Yashwardhan Singh Rana. I am a digital marketing guy. I have been marketing WordPress products and services for almost half a decade now. And currently, I'm working as the head of content marketing at Ideabox Creations, which is in Udaipur, and I work remotely from Bhopal. And I'm also the co-organizer of WordCamp and WordPress meetups that are happening in Bhopal right now. So you can expect a WordCamp in Bhopal next year soon. Let's see what happens there. So that's all about me. Before we start, let me just give you a quick roundup on what we will be discussing here today. So we will start with why marketing is required and how you can excel at marketing as a web developer. Even if you are a web developer or a designer or a marketer, you can see how you can promote your products and take it to the next level. Right? Then we will look at some basics that you need to do if you are promoting a WordPress product. Then we'll move on to some of the advanced maneuvers that you do not need to do, but you can do if you want to excel your product, right? So that's the whole, the next half an hour is going to be like that. So why marketing is required? चलो इससे पहले let me ask you, is there anyone in the crowd who thinks that marketing की तो कोई जरूरत ही नहीं होती है and it's not required or it's a waste of time? Great. Because, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, I have met people, उन्हें आई देर वॉज दिस टाइम दिस पीपल केम टू मी लाइक मार्केटिंग की तो कोई जरूरत नहीं होती है एंड प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाना होना तो चाहिए ना कि वो खुद ही कोई बेचे. दैट हैपन्स. पीपल बिलीव कि प्रोडक्ट को इतना असम बनाओ ना, इतना फाड़ू बनाओ कि वो खुद ही को सेल करे. आई मीन हु थिंक्स लाइक दैट, राइट? बट देर आर पीपल. सो आई एम रियली ग्लैड दैट नन ऑफ यू हेयर थिंक्स लाइक दैट, राइट? सो वी डू नो मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड. नाउ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज चिचिंग पैसे भी तो बनाना है, प्रोडक्ट बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, घर में ही रखा रहेगा तो मतलब क्या? लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा. व्हेन यू क्रिएट अ प्रोडक्ट, यू मार्केट इट, पीपल केम टू नो अबाउट इट, दे स्टार्ट टू बाय इट. व्हेन पीपल स्टार्ट टू बाय इट, यू ग्रो योर प्रोडक्ट, राइट? पैसा आएगा, यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज मिसिंग, पीपल विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, व्हाट फीचर्स दे वॉन्ट, राइट? सो ऑल इन ऑल, वी ऑल नो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू दैट. And you should not be like those developers. And funny thing about that story, later after some months, these guys came to me and said, कि भाई को डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स देना यार. सो दैट थिंग हैपन्स. सो इन फैक्ट दे लर्न द हार्ड वे, बट वी नो द राइट वे दैट मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड. सो फॉर एनी मार्केटिंग एनी वर्डप्रेस प्रोडक्ट, देयर इज वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ, इवन इफ यू आर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट. अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो ना, सो यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दैट यू आर क्रिएटिंग अ ब्रांड एंड नॉट अ प्रोडक्ट. सो शो ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग ऑन लॉन्चिंग अ न्यू वर्डप्रेस प्रोडक्ट? कोई थीम बना रहा है, कोई प्लगइन बना रहा है, या कोई कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की तैयारी में यहाँ पे, राइट? सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज एज वेल, बिकॉज यू विल बी लुकिंग एट हाउ यू कैन मार्केट योर प्रोडक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग बिफोर यू हैव लॉन्च. सो फर्स्ट थिंग इज, एज आई सेड, यू नीड टू क्रिएट अ ब्रांड. हाउ यू विल डू इट? बिकॉज अब ब्रांड तो बनाना है, अब ये तो बता दिए ब्रांड बनाना है, बट कैसे बनाना है ये तो बताना पड़ेगा ना. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज नेम योर प्रोडक्ट, राइट? यू नीड टू वाइजली नेम योर प्रोडक्ट. अब नॉट आई वोंट बी जजिंग एनी वन ऑफ द नेम्स, और आई एम रियली सॉरी अगर इसको मैं ऑफेंड करूँ, बट आई सीन दिस कल्चर के कोई भी वर्डप्रेस का लेट्स से प्लगइन बनाया तो बस प्लगइन जो बनाया है ना, जो फीचर है उसका नाम लेंगे, आगे डब्ल्यूपी ठोक देंगे और नाम लगा देंगे, डब्ल्यूपी पेज बिल्डर, डब्ल्यूपी शॉर्टकट बिल्डर, डब्ल्यूपी टी शर्ट, WP ट्राउजर्स, WP प्रेजेंटर, एवरीथिंग. दे आर नॉट थिंकिंग इट क्लियरली कि भाई कोई यूनिक ब्रांड कहाँ से आ रहा है. दे आर लाइक थिंक अबाउट गिव WP, राइट? इट्स अ डोनेशन प्लग इन. आई एम श्योर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डेवलपर्स हेयर नो अबाउट इट, राइट? बट वो भी WP डोनेशंस डॉट कॉम भी तो हो सकता था, बट वाई इज नॉट इट्स वाई इट्स गिव WP? बिकॉज इट क्रिएटेड अ यूनिक ब्रांड. आज गिव WP की खुद की एक वॉइस है. वाई इट्स कॉल्ड एलिमेंटर, नॉट वाई WP पेज बिल्डर? बिकॉज इट्स अ यूनिक ब्रांड नाउ. वाई इट्स बीवो बिल्डर? सो वेन यू आर नेमिंग योर प्रोडक्ट, डेवलपर्स आई इंसिस्ट यू प्लीज नेम योर प्रोडक्ट वाइजली, बिकॉज अगर नाम से इजी नहीं रखा जाएगा ना तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा. ऑल्दो सम माइट आर्ग्यू दैट इट्स वेरी इजी इफ यू आर गोइंग विथ अ नेम लाइक WP पेज बिल्डर, ईजी हो जाता है, राइट?
अपन को नाम में कीवर्ड आ गए, लोगों की मेंटालिटी होती है, बट कीवर्ड आ जाएंगे, आप सर्च रिजल्ट्स में आ जाओगे, दूसरे भी तो आ रहे हैं, वो भी तो आपने ये लिखा है ना, एलिमेंट अ पेज बिल्डर फॉर वर्डप्रेस, उनके भी कीवर्ड्स आ गए. व्हाई कांट यू डू दैट? यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट यू आर गिविंग अ यूनिक नेम. भाई अपन कुछ भी इतने बड़े एग्जाम्पल नहीं दूँ ना, जैसे कि अपना बच्चा होता है कभी फैमिली में, उसको टिंकू चिनू पोनू नाम तो नहीं रखते ना उसका, घर पे क्या बोलते हैं भाई, कि अच्छा सा नाम रखना है, कोई यूनिक नाम रखना. तो वाई शुड बी, तो एक डेवलपर का एक प्रोडक्ट भी तो उसका एक बेबी होता है आफ्टर ऑल. नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू प्राइज योर प्रोडक्ट वाइज. वाई इज इट अ मार्केटिंग थिंग? इट इज एक्चुअली. अगर आपने प्रोडक्ट को प्राइस बराबर नहीं किया ना, इट विल हर्ट यू वेरी बैडली. होता क्या, एक डेवलपर जब स्टार्ट करता है बनाना, तो ही स्टार्ट टू गेट टू थ्रू द स्टेज, जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचता है, ही रियलाइजेज दैट ही हैज क्रिएटेड सच यू नो इमैक्युलेट पीस ऑफ आर्ट, दिस शुड बी सेलिंग फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, राइट? बट क्या वो एक ही व्यक्ति से वसूल रहे हैं? नहीं, राइट? यू वॉन्ट टू क्रिएट अ यूजर्स बेस, सो यू नीड टू प्राइस योर प्रोडक्ट वाइजली. नाउ ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऐसा भी होता है दैट यू नो डेवलपर्स क्रिएटेड अ प्रोडक्ट विच दे आर वेरी प्राउड ऑफ, बट थिंक लाइक नहीं बिकेगा नहीं यार, इतना यूजर बेस नहीं है, तो ये $99 की वर्थ है, बट 19 में डाल दो, $19 में चले जाएगा ये, एंड इट सेल्स एंड दे आर लाइक हैप्पी, बट दे डू नॉट नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ देयर प्रोडक्ट, सो दे आर एसेंशियली लूजिंग मनी. कितने सारे कोड कैनिंग पे भी अभी प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे जो $19 में लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं. व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी ऑन दैट? सो यू नीड टू प्रोडक्ट प्राइस योर प्रोडक्ट वाइजली. जब प्राइसिंग की बात आती है ना, तो दो चीज़ों को प्राइमरी ध्यान में रखना है, कि आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, इज देयर अन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व विथ योर प्लगइन. चेक देयर प्राइसेस, व्हाट दे आर ऑफरिंग. नाउ वंस यू नो दैट दीज प्लगइन्स आर देयर, चेक व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर एडिंग ऑन टॉप ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. भाई एक कोई प्रोडक्ट है जो आपको 10 तक काउंटिंग कर देता है, अगर आपका प्रोडक्ट 20 तक कर रहा है, तो ऑफकोर्स योर प्रोडक्ट इज बेटर. यू कैन ऑलवेज प्राइस योर प्रोडक्ट हायर देन दैट, बट यू नीड टू गो टू दीज टू स्टेप्स, दैट इज चेक इफ देर इज कॉम्पिटिशन इन योर प्रोडक्ट, एंड सेकेंड थिंग इज वॉट वैल्यू यू आर एडिंग. आप यूजर को क्या दे रहे हो, ऐड क्या करो वैल्यू. सो दिस इज ऑल नेमिंग एंड प्राइजिंग. अब ये हो जाता है ना, तो प्रोडक्ट पे डेवलपर काम करना चालू करता है. वेन इज डन द थर्ड थिंग्स कम इज प्रोडक्ट पेजेस एंड वेबसाइट. इसमें भी एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल एक वो चीज़ है कि प्रोडक्ट पे इतनी मेहनत करेंगे, बहुत इमैक्युलेट पीस ऑफ आर्ट बना दिया, मतलब इट्स लाइक अ रियली गुड प्लग इन एंड आई रियली चेरिश दैट. बट वेन इट कम्स टू यू नो द वेबसाइट डिज़ाइन, आई ऑलवेज सी दिस पैटर्न. एक हीरो सेक्शन होगा, नीचे फीचर्स होंगे, उसमें दो तीन लोगो होंगे, इमेज का वीडियो का सेक्शन आ गया, नीचे दो तीन गोरी शक्ल लगा दी, टेस्टिमोनियल डाल दिया, CTA फुटर ख़त्म. नथिंग न्यू. यही क्यों होता है हमेशा? लाइक आई नो इट्स अ पैटर्न एंड इट्स यूजर ईजी फॉर यूजर्स टू ट्रैक द डेटा, बट एट द सेम टाइम वॉट एडिशनल वैल्यू यू आर एडिंग. यू नो यू हैव ओनली लाइक 7 to 8 seconds बिफोर यू कैन कन्वे योर मैसेज टू द यूज़र. 7 से 8 सेकंड में अगर आपने यूज़र ने नहीं समझा तो गायब, आपके यूज़र गया, एंड यू हैव लॉस्ट अ कस्टमर राइट देयर. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट पेजेस आर गुड इनफ. फॉर दैट यू कैन फॉलो दिस चेकलिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपने ब्रांडिंग जो क्रिएट करी है, उस ब्रांडिंग को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे वो मैटर करता है. आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस क्लियर होने चाहिए, डेमोज एंड शॉर्ट वीडियोज अगर आप क्रिएट कर पा रहे हो, दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग. एट दैट FAQ सपोर्ट एंड दैट शुड ऑलवेज बी देयर. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांडिंग, इट बाई सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा. डेवलपर्स ड्रेड इट, आई नो इट, बिकॉज दे आर लाइक वी आर हैप्पी इन आर यू नो आर ओन कोकून, आई डोंट वॉन्ट गो इन सोशल मीडिया, एंड बिकॉज वहाँ मुझे पीपल रैंड भी कर सकते हैं, तो आई डोंट वॉन्ट गो देयर. बट ऐसे नहीं होता सर, अगर आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ना, तो सोशल मीडिया पर आना ही पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे. यू नीड टू क्रिएट योर प्रोडक्ट पेजेस एंड योर यू नो द आइडेंटिटी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म देयर इज, देन लेटर यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. चलो सो फार अभी अपनी ब्रांड तो क्रिएट हो गई, राइट? प्रोडक्ट पेजेस बन गए, नेमिंग हो गई, प्राइसिंग हो गई, एंड अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस भी हो गई. नाउ अब क्या करना है? ब्रांड अवेयरनेस. अब ब्रांड क्रिएट हो गई, अब बताना भी तो पड़ेगा. अपन सब कुछ रेडी होकर घर पे तो नहीं रख सकते ना, बाहर ले जाके सेल भी तो करना पड़ेगा. सो नाउ कम्स द ब्रांड अवेयरनेस. नाउ अब यहाँ क्या है, कॉन्टेंट. कॉन्टेंट मार्केटिंग इज द ओनली टूल इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रमोट वर्डप्रेस प्रोडक्ट्स. अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट रेडी है,
and I can just go ahead and try to, you know, just keep on giving updates and not trying to, you know, promoting it efficiently. And it will still, I'm sorry, it won't be possible. I'm not saying it it won't be possible. I'm saying is it will be very, very, very difficult for you. And if you want to go for an easy ride and a good ride, I would say do start content marketing. So the first thing that you need to do is create a blog page for your product. Start pushing content there. Start pushing content. Tell people about what you are trying to sell. And when I say what you are trying to sell, do not promote your product. Promote the solution that your product is offering. Agar aap direct bologe na, ye mera product hai, koi nahi lega. Aap bologe, aapko ye problem hai, mere paas ka solution hai. Chalo baat kare. To wo log sunenge aapki baat. They will read through your blogs. And in that blog, you can always promote your product, right? So you need to create pages. You need to start guest posting and promoting on other pages, right? After that, of course, I'm sure everyone knows about it, but nobody does it, is email marketing. So jaante sab hai, but karta koi nahi hai, because time lagta hai, and I'm not sure ke result aayega. So when you have created your blog page, you need to focus on creating a subscription form or at least a newsletter form, taki aapke paas email list build hona chalu ho jaye. Once you have your emails, you can start promoting your products via email, right? And that comes all email marketing. I can talk about like an hour full about email marketing, but I won't go there because it can bore you guys, the wits out of you guys. So the next thing that, a really good thing that can help you promote your digital product is affiliate marketing. How many of you do not know what affiliate marketing is here? Show of hands. Okay, so for those of you who do not know, let's say mera ek product hai, maine banaya product A, main ek apples bech raha hu, right? Mera ek banda hai, wo bol raha hai ki main help karunga product bechne mein, but I will charge a commission. And I say okay. So he sells it for me and I pay him a commission. So that is an affiliate model in a nutshell. You see these YouTubers reviewing phones and mobiles and gadgets. They always say that links in, is in description, check out this mobile. Those are all affiliate links and they are promoting the products via that. So, ये तो हो गया affiliate marketer की नज़रे से. अपर अपन business owner की नज़रे से भी तो देखना है कि अपन कैसे implement करें. So, it might seem scary and डरावना कि भाई पूरा एक system ready करना है. It's not that difficult. You can use this product, affiliate develop. It's very easy to do. And it will help you set up an affiliate marketing model and run affiliates and all that very easily. So, that's cover of affiliate marketing. Now, comes of freemium or free trial model. So we always see these plugins. They are like 57,000 something plugins on WordPress.org repository. So most of them are freemium models. So for those of you who do not know what freemium and free trial is, think of it as like this. Freemium products mein apan wohi product ka ek chota version nikalte hain, which has reduced features or reduced capacity. Right, so there is a separate plugin or a separate theme released with a reduced features. For example, agar apan koi let's say koi feature set ki baat kare, ek full pro premium product mein mil raha hai apan ko 50 features, free wordpress.org mein mil raha hai apan ko 20 features. This is a freemium model, right? Or else there is a free freemium model with reduced capacity, jo ki Dropbox is a good example about, right? So अपन 15 GB तक तो free में use करते हैं, कुछ लोग दूसरा account बना के और 15 GB use कर लेते हैं, but जो smart होते हैं वो लोग premium model use कर लेते हैं, right? And free trial is something very easy to understand. मतलब आपको एक product है, कुछ time तक free में use कर सकते हो, if you like it, pay for it and continue it later. What model you should go for totally depends on your product. भाई आपका product freemium में apply होगा कि भी नहीं होगा? मान लो अगर मेरा product है which is, उसका मैं truly आपको इसको जब इसमें बात आती है ना तो आपको experience के through देखना है. Will the user be able to experience the whole product in the freemium version? अगर मेरा product ही पूरा work नहीं करेगा in the freemium version, what's the point? Then at that point I should go for the free trial model. So the user is able to experience the full plugin what they are planning on paying for with the help of free trial model, right? So ऐसा कई बार दफ़ा होता है कि नहीं फ्री ट्रायल नहीं निकालना है बिकॉज प्रीमियम है एंड मैं तो प्रीमियम में बेचूंगा एंड फ्री में क्यों निकालूं, मैंने इतनी मेहनत से कोड लिखा है. बट इफ़ यू वांट टू प्रमोट इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू, बिकॉज जब आपको फ्री वर्जन निकलता है तो पीपल स्टार्ट टू यूज़ इट. अपन इंडियंस अपन भी तो करते हैं, राइट?
कहीं पे फ्री में अगर कहीं मान ली बिग बाजार जाते हैं, आप फ्रेंच फ्राइज या ऐसे कुछ फ्री में खिला रहे होते हैं कि आप ट्राई करके देखिए, आपको लगे तो आप पैकेट ले लेना। तो अपन नहीं भी खाना होता है ना, तो एक बार जाके टेस्ट कर लेते हैं, हाँ मस्त है, फिर कट लेते हैं, नहीं हमें नहीं लेना, बट खा के निकल गए। पीपल डू दैट, वी डू दैट, एंड एवरीवन डज दैट, राइट? सो आज सबको भले ही पैसे लगाएंगे नहीं, बट बाहर काउंटर सबने इकट्ठे करे हैं, स्टिकर तो लैपटॉप पे कोई नहीं लगाएगा, बट सबके पास होंगे जेब में, अभी मेरी जेब में, आई थिंक सो मेरी जेब में भी है, एंड आई डू नॉट स्टिक अ सिंगल स्टिकर ऑन माई लैपटॉप, दैट हैपन्स। सो वाई फ्री ट्रायल देना जरूरी होता है? इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस, थिंक अबाउट वॉट प्राइस यू आर आस्किंग फॉर एंड द फ्री ट्रायल मॉडल बिहाइंड इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया और मैंने उसको फ्री ट्रायल पे निकाल दिया, एंड इट इज़ डूइंग समथिंग लाइक डील सेक्शन फॉर यू नो, सो हो सकता है कि सिर्फ मार्केटर्स आएंगे मेरे पास ब्लैक फ्राइडे पे यूज़ करके 7 दिन में भूल जाएंगे और मेरे प्रोडक्ट को भी बाय भी नहीं करेंगे। सो माई मनी इज गोइंग टू वेस्ट, राइट? माई कोड इज गोइंग टू वेस्ट। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज सस्टेनेबल एंड इट्स गोइंग टू बी फीजिबल इन द लॉन्ग रन, बिकॉज आपको भी कैश आउट नहीं होना है, राइट? पैसे तो आना जरूरी, आफ्टर ऑल वी डिस्कस किया जरूरी है चिचिंग, पैसा भी तो कमाना है। लास्ट थिंग आई वुड से इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, जब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बारी आती है ना, इसको उसको और अच्छा बना। अपन बाकी चीज़ों से एक पॉइंट तक आ सकते हैं, राइट? एट द पॉइंट वेयर द यूजर इज गिविंग अस फीडबैक, लाइक दे आर टेलिंग अस कि दिस इज अ गुड फीचर, आई लाइक इट, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू एड दिस फीचर, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इसको इतने एक्सेल कर सकते हो। सो एट दैट पॉइंट यू नीड टू सी दैट हाउ यू कैन एक्सेल योर प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड कर जा रहे हो, ऐड कर जा रहे हो, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, बिकॉज दैट्स कोड ब्लोट एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट फीचर। फॉर एग्जाम्पल, वेर आई वर्क आइडिया बॉक्स क्रिएशंस, वी क्रिएटेड अ product for a Beaver Builder add-on. It gives you extensions for Beaver Builder, and then we planned on creating extensions for widgets for this WooCommerce. So initially we planned that we should merge all the things together, but as zaruri to nahi hai ki sabhi ko hi WooCommerce ki need ho, so why not create separate product and sell it with Powerpack, so they coexist together, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अपन भी कभी मैकडी जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बर्गर पे बर्गर इम्प्रूव ही करे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बर्गर बेचने चालू हो गए, ऐसा तो कभी नहीं होता, राइट? कि एक नॉर्मल बर्गर है, दे आस्क फॉर यू वुड लाइक अ कोक विद दैट, वुड लाइक सम फ्राइज विद दैट, वुड लाइक टू हैव समथिंग स्वीट। वाई? बिकॉज दे न्यू एक बर्गर को इतना ही लेवल तक ले जाया जा सकता है, इट्स ऑन ऑटोमेशन, इट्स को अब इससे ज़्यादा क्या इम्प्रूव करो यार, अब उसमें पनीर डाल दिया, चिकन डाल दिया, धनिया भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, चटनी सब कुछ डाल दिया, नाउ वॉट? टेंडे को भी तो नहीं डाल सकते ना। तो बस इस चीज़ का फोकस रखना है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पीक पॉइंट ऑफ योर प्रोडक्ट, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स कैन ब्रिंग डाउन योर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर ऑन। नाउ फॉर एग्जांपल, आई गेव यू द पावर पैक, यू कैन ऑल्सो लुक अराउंड योर प्रोडक्ट दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव इट एंड द सेम टाइम आई एम सॉरी फॉर दैट, हाउ यू कैन मेक इट मोर एफिशियंट फॉर द यूजर एक्सपीरियंस। लास्ट थिंग आई वुड से इज यू नीड टू गेट स्टार्टिंग नेटवर्किंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही प्रमोशन हो सकता है, यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग वर्ल्ड कैंप्स, डिस्कस पीपल, मीट पीपल, लर्न वॉट इज हैपनिंग इन द कम्युनिटी, वॉट इज हैपनिंग आउट देयर, हाउ यू कैन एक्सेल योर प्रोडक्ट विथ ऑफलाइन मार्केटिंग एज वेल। इट्स नॉट लाइक कि बस डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग लिखना है और PPC रन ऐड करेंगे और दैट्स इट, हो गई मार्केटिंग। यू नीड टू गेट आउट देयर, you need to start connecting with other bloggers, you need to start connecting with other product creators, you need to learn how you and they can improve their business by exchanging thought processes, because kai baar aisa hota hai par apne khud ke cocoon mein hota hai, apan ne outside world dekha hi nahi hota hai, there are lots and lots of things are happening and when we get out there na apan dar jate hain ki yaar it sab cheeze to bhag rahe hain, apan to chal rahe hain aur ye to daud rahe hain aur ek dusre ke upar ko chal ke daud rahe hain, right? So instead of getting to the point that you get scared, it's healthy that you get out there and start networking with people. And that brings me to the end of my presentation or the session, I would say. And if you guys have any questions, you can always go ahead. Anything related to marketing, it doesn't have to be like marketing WordPress product or anything.
If you guys have anything, just shoot it. I won't be making this face, by the way. No questions? So if you guys have any questions later on, you can always meet me in the IdeaBox sponsored us. I will be sitting there. All right. So thank you for your time, guys. You have been very patient. And thank you all. I appreciate it.